दोस्तों, आज हम आपको हमारे देश में स्थित 5 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। गुजरात के बड़ौदा से 75 किलोमीटर दूर संबेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर कम्बोई गांव में स्थित है। इस मंदिर में शिवलिंग का दर्शन दिन में एक बार ही किया जा सकता है। इस मंदिर की खासियत यह है कि दिन में 2 बार गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह समुद्र तट के किनारे स्थित है। समुद्र में जब भी ज्वार आता है तो यह मंदिर पूरी तरह पानी में डूब जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्तों को एक चिट्ठी दी जाती है जिसमें ज्वार आने का समय लिखा होता है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में है। तमिलनाडु में स्थित भगवान शिव का ऐरावतेश्वर मंदिर एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमय है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में इस चोल राजाओं ने करवाया। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ की सीढ़ियों पर पैर रखने पर संगीत सुनाई पड़ता है। इस मंदिर में 3 सीढ़ियाँ हैं जिन पर पैर रखने पर अलग अलग संगीत की ध्वनि सुनाई देती, लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है कोई नहीं जानता। इस मंदिर को यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। इस स्थान को भूतेश्वर नाथ बकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें स्थित शिवलिंग का आकार प्रतिदिन 6 से 8 इंच तक बढ़ता है। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम आता है, इसे बकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के धौलपुर जिले में भगवान अचलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह एक चमत्कारी मंदिर है जहां पर आपको महादेव का चमत्कार दिन में 3 बार देखने को मिलता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। यहाँ सुबह शिवलिंग का रंग लाल रहता है, दोपहर में यही शिवलिंग केसरिया कलर में बदल जाता है, जबकि शाम होते होते शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। इस शिवलिंग के चमत्कार का रहस्य आज दिन तक कोई नहीं जान पाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर में हर 12 वर्ष एक चमत्कार होता है जिसमें शिवलिंग पर भयंकर बिजली गिरती है। बिजली के गिरने से शिवलिंग खंडित हो जाता है, लेकिन यह शिवलिंग मक्खन से जोड़ने पर पुनः जुड़ जाता है और अपने ठोस आकार में परिवर्तित हो जाता है।